Now I request the architect, the engineer of this project, solar project, Dr. Arthur Malik, Minister for Energy, for his speech. शामिल किया है, ज़्यादा काम तो डॉक्टर अख्तर साहब ने ही किया हुआ है और उनमें और मुझ में फ़र्क नहीं है, नाम एक जैसे हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक वो करते हैं तो मैं क्रेडिट लेता हूँ, ये करते हैं तो मैं क्रेडिट लेते, मैं करता हूँ तो ये क्रेडिट लेते हैं, तो ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं का इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाने का। और सही बता रहे हैं कि जब ये शुरू हुई थी तो टूटी फूटी दीवारें थीं, जो डिपार्टमेंट 4 थे आज 28 के करीब हैं, और जो इसकी वर्थ है वो वक्त के साथ बेहतर हुई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें वक्त के साथ बदतर होती हैं और ये वह यूनिवर्सिटी जो वक्त के साथ बेहतर हो रही है, और इनको मैं मुबारकबाद भी दूंगा। और मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँ, मखलूम साहब की कमिटमेंट है, तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मुझे पोर्टफोलियो दिया गया, हमारी सारी कंपनियाँ लॉस में थी, कोई जो शहबाज शरीफ का दामाद है अली इमरान, वो हमारी कंपनी का इश्तिहार ही है, और उनके काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ कंपनियों से जुड़ के माल ले जा चुके थे, और सारा बड़ा मैं दफ्तर में गया तो इतनी बड़ी किताबें मिली थी जो नैब की गई, ये फ्लाह की पेशी है, ये फ्लाह की पेशी है। उन हालात के बावजूद हमने पॉलिसी शिफ्ट की और इम्पोर्टेड फ्यूल पर कौम को डिपेंडेंट करने के बजाय हमने इंडिपेंडेंट सोलर सोल्यूशन, बायोगैस, हमारे विंड के हैं, कोई हाइब्रिड हैं सोलर के, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लेकर गए हैं। मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगा कि हम 29 यूनिवर्सिटीज के साथ ये MOU साइन कर चुके हैं और काफ़ी सारी जगहों पर ये फंक्शनल हो चुके हैं ये हमारे सोलर के प्रोजेक्ट, और इसको हमने किया इसको मॉडल पर। इस पर 1 रुपया ना यूनिवर्सिटी का लगता है ना गवर्नमेंट का लगता है, सिर्फ छतें इस्तेमाल करते हैं, और जो बिजली 28-30 रुपये जा पड़ती है वो इनको 8-9 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये के रेंज में जा पड़ती है। और उसका फ़ायदा होता है कि छतों पे जब ये लग जाता है तो गर्मी 11 महीने तो गर्मी रहती है यहाँ पे, तो उसकी इंसुलेशन लेयर के तौर पर भी काम करती है, बिल्डिंग भी मतलब ठंडी रहती है। हमने आज अगर यहाँ पर खड़े हैं तो 11,000 प्राइमरी स्कूल जो साउथ में थे, जिसमें मुल्तान के कोई 713 स्कूल शामिल हैं, उनको सोलर पर मुंतकिल कर चुके हैं। 4500 स्कूल अभी इस साल इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल हो जाएंगे सेंट्रल पंजाब के, और हमारे 2400 बेसिक कैल्कुलेट इंशाल्लाह फरवरी में ये भी मुकम्मल हो जाएंगे पूरे पंजाब के जो बेसिक कैल्कुलेट हैं। हमारे शेल्टर होम्स हैं सारे पंजाब के, ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। हमारे जो कमिश्नर ऑफिसेज हैं पूरे पंजाब के 9 डिवीजन्स के, ये सारे सोलर पर मुंतकिल इसी साल, इसी माली साल में हो जाएंगे। हमारी जो मुझे IG साहब का फोन आया कि हमारे पुलिस स्टेशन का आप सोलर पे करवा लें, तो 350 पुलिस स्टेशन में जिनकी नई बिल्डिंग्स थी वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल में सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ मुल्तान की, तो कार्डियोलॉजी अस्पताल उसका अभी ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है, टाइम देना है मुलूम साहब से। हमारा निश्चर अस्पताल में फंक्शनल हो गया है, हमारा चिल्ड्रन अस्पताल फंक्शनल हो गया है, 250 किलोवाट का एक BZU में वो फंक्शनल है, अभी इसकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक मैंने मुल्तान के लिए अप्रूव कराया था, जिसमें सोलर पे क्लासेस और ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू कराएंगे, क्योंकि जो सोलर की फेलियर की वजह थी वो यही थी कि हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं थे। तो एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहा है वहाँ पर सिराज कालाशाह काकू UET के उसके आता है अंडर काम कर रहा है,
और एक अभी इंशाल्लाह 20 में इसी माली साल में ये मुकम्मल होगा, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और उस पर जो चीज़ें इंस्टॉल करने वाली हैं वो इंशाल्लाह इंस्टॉल होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हमें मिली थी हमारे पंजाब में एनर्जी डिपार्टमेंट को शायद कोई पहले जानता नहीं था, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मखदूम साहब की दुआओं की वजह से, हमारे वज़ीर आला की मेहरबानी से हमने वो सारी चीज़ें कर ली। और दो मैं प्रोजेक्ट अभी मखदूम साहब को बता रहा था कि 100 मेगावाट का लिया है हमने, सोलर का प्लान लगवाया है, ज़ेनफा एक चाइनीज़ कंपनी और एटलस, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ लगवाया है 3.7 सेंट तो बिजली बनाकर लगवाई। और इसके मुकाबले में आप अगर देखें कि जब ये कैजागन सोलर पार्क बना था वहाँ भावलपुर में, और डॉलर उस वक्त 90 रुपये से 92 रुपये तक था, और वो टैरिफ उन्होंने दिया था 14.1 सेंट, और आज डॉलर 170-175 के हमने टैरिफ दिलवाया है 3.7 सेंट। आप इनकी करप्शन का और इनके जो इनकी विजन का वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इन्होंने इस मुल्क और कौम को लूटा है। और एक और जो प्रोजेक्ट 1263 मेगावाट का जो हमें बिल्कुल स्टक हुआ मिला था, जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं थे, गैस सप्लाई पावर परचेज कुछ नहीं था, वो इंशाल्लाह फरवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब उनका भी इफ्तिताह करेंगे। और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि 115 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट हुई है, 0% सॉवरन गारंटी, कोई 1 रुपए की गारंटी नहीं दी, डॉलर में पेमेंट नहीं करनी, रुपीज में पेमेंट करनी है हमने, और जो इसका स्वी गैस का स्टैंड बाई क्रेडिट लेटर था वो हम 37 अरब से 7 अरब पर लेके आए। तो 1-1 रुपया इस कॉम का हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो अभी हमारी जो एफर्ट्स हैं ये इनका रिजल्ट आने वाले दिनों में इस कॉम को मिलेगा। और ये पहली दफ़ा है कि हमारी जो मेगा है जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, पहली दफ़ा युग दौर के बाद ये पहली दफ़ा ये जो हमारे डैम्स बन रहे हैं उन पर काम और उनसे बिजली भी बनेगी और पानी की ज़रूरत बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन 20 से 25 साल ये चलेगा, और इसका इस यूनिवर्सिटी को फायदा ही फायदा है। मैं मखदूम साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, इस यूनिवर्सिटी में भी तशरीफ़ लाए और इस प्रोजेक्ट का अफ्ताह भी किया। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँ।